तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता बनेगा, ये हमारी सरकार की सोच है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी, समझ रहे हो? 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा वाले एक बार फिर से जुमलेबाजी शुरू कर दिए हैं, फिर वो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों या फिर तड़ी पार कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह हों। अच्छा, इसी बीच सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल देने का चुनावी जुमला दाग दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के दौरान एथेनॉल और बिजली से चलने वाली कार को लॉन्च करने की बात कही, जिसकी वजह से पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। दोस्तों पर उन्होंने यह नहीं बताया कि एथेनॉल कितने रुपए लीटर मिलेगा। वहीं अब नितिन गडकरी के इस बयान को लोगों ने चुनावी स्टंट बताते हुए सोशल मीडिया पर जमकर मसेली है। एक यूजर ने कहा, जब गाड़ियां एथेनॉल और बिजली पर चलेंगी तो क्या पेट्रोल भक्तों की लाल करने के लिए खरीदेंगे? मतलब आदमी पेट्रोल तो खरीद नहीं पा रहा है, अब उसको बिजली या एथेनॉल की गाड़ियां भी खरीदनी पड़ेंगी। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, जुमला नोट कर लो, पहले बहू सिलेंडर लेके आई थी, अब ससुर जी पेट्रोल लेकर आए हैं। एक और यूजर लिखते हैं, 2022 तक किसानों की डबल इनकम के बाद बाबा रामदेव के 30 रुपए के पेट्रोल का आनंद लेने वाले 15 रुपए के पेट्रोल के लिए तैयार। दोस्तों नितिन गडकरी के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।